बहुत समय पहले की एक बात है। पुराने चीन के उत्तर में तीन मंक्स रहते थे। उनका नाम किसी को भी पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी इसका जिक्र किया भी न था। उन तीनों मंक्स की खास बात ये थी कि वो हमेशा हंसते रहते थे। उनकी हंसी इतनी आंतरिक थी कि जब वो हंसते थे तो उनके मुखमंडल से एक अलग ही गहरी आभा निकलती थी। उनकी हंसी इतनी वास्तविक थी कि उनकी हंसी उनके आसपास के वातावरण में लोगों में संक्रमित हो जाती थी, और वो लोग भी अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाते, वो भी बिना किसी कारण के। उनकी इसी मधुर हंसी या कहिए विचित्र हंसी के कारण पूरे चीन में उन्हें थ्री लाफिंग मंक्स के नाम से जाना जाने लगा। वो तीनों सिर्फ एक ही काम करते थे। वो किसी एक गांव में प्रवेश करते या बाजार में या किसी चौराहे पर खड़े हो जाते और अपने पूरे अस्तित्व के साथ हंसना शुरू कर देते। वो इतनी एकाग्रता, तल्लीनता व संपूर्णता के साथ हंसते थे कि उनकी हंसी देखकर सारा गांव हंसने लग जाता था। उनके हंसी में मानो बहुत ही गहरा संदेश छुपा होता था। उनकी इसी संक्रमित हंसी के कारण पूरा गांव हंसी के समंदर में डूब जाता। वे ना तो कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते और ना ही कोई शिक्षा। वे जहाँ भी जाते अपनी हंसी से ऐसा वातावरण बना देते कि लोग अपने सारे दुख दर्द भूल कर बिना किसी कारण के बस हंसने लग जाते थे। धीरे धीरे पूरे चाइना के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और वह पूरे चाइना में थ्री लाफिंग मंक्स के नाम से विख्यात हो गए। वे बस हंसते थे जैसे कि उन्हें प्रकृति के जोक को समझ लिया हो, ईश्वरीय मजाक को समझ लिया हो। जब भी कोई उनसे उनका नाम पूछता तो वे बस हंसते थे, बिना कोई शब्द बोले। उन्होंने पूरे चाइना में इतनी हंसी फैलाई जितना कि इससे पहले किसी ने न फैलाई हो। एक रात जब वे एक गांव में ठहरे हुए थे, तभी उनमें से एक मंक की मृत्यु हो जाती है। सुबह में जब गांव वालों को ये बात पता लगती है तो पूरा गांव अस्तब्ध हो गया। गांव वाले ये उम्मीद कर रहे थे कि एक की मृत्यु के बाद दोनों अवश्य रो रहे होंगे, यह देखने योग्य होगा, क्योंकि इससे पहले कभी किसी ने उनको रोते हुए नहीं देखा था। जब सभी वहां पहुंचे तो सभी उस नजारे को देखकर दंग रह गए। उन लोगों ने देखा कि मंक के शव के पास खड़े दोनों भिक्षु रोने के बजाय और जोर जोर से हंस रहे थे। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग ने उन्हें कहा कि आपको अपने साथी के मरने पर शोक मनाना चाहिए, ना कि हंसना चाहिए। उस दिन पहली बार उन भिक्षुओं ने लोगों से बात की और कहा कि कुछ दिनों पहले हम लोगों ने ये सोचा था कि जो पहले मरेगा वो जीत जाएगा। आज इसने पहले मरकर हमें हरा दिया। इसकी जीत की खुशी में आज हम इतने जोर जोर से हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा, हमारे साथ हंसा। हमने एक दूसरे की उपस्थिति का खूब आनंद लिया। उसे अंतिम विदाई देने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। चीन में ये प्रथा थी कि शव को नहलाकर उसके वस्त्र बदलकर उसे चिता पर लिटाया जाता है, लेकिन उसने पहले ही कह दिया था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अपवित्र हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि कोई अशुद्धता जमा ही न हो सकी, इसलिए मेरे कपड़े भी मत बदलना। उस तीसरे मंक को ऐसे ही चिता पर लिटा दिया गया। जब गांव वाले दुखी मन से उसे चिता पर लिटा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जैसे मानो तीसरा मंक भी मुस्कुरा रहा हो। उस तीसरे मंक को ऐसे ही चिता पर गांव वालों ने लिटा दिया। जब आग की लपेटों ने उसके कपड़े को जैसे ही छुआ, उसमें रखे चीनी पटाखों और फुलझड़ियों से पूरा आसमान रंग बिरंगे कलरों से रंगीन हो गया, क्योंकि उस मृतक मंक ने अपने कपड़े में बहुत सारे चीनी पटाखे और फुलझड़ियां छुपा रखी थी। उस तीसरे मंक की नादानी को देखकर सभी गांव वाले फिर से एक बार जोर जोर से हंसने लगे। उस तीसरे मंक ने मरने के बाद भी सभी लोगों को फिर से एक बार हंसा दिया। उसके द्वारा गांव वाले के चेहरों पर हंसी पैदा की गई, यह आखिरी हंसी थी। आप अपनी जिंदगी में देखिए, कहीं आप भी किसी से उम्मीद लगाकर उदास तो नहीं है? किसी भौतिक वस्तु के ना होने के कारण उदास तो नहीं है? किसी के बातों को दिल से लगाकर उदास तो नहीं है? ये सभी एक ब्रह्मांडीय मजाक है, और जो भी इस जोक को समझ लेगा वो इस मंक की तरह कभी उदास नहीं होगा। आपके जीवन में होने वाली हर एक एक्टिविटीज जो आपको उदास कर सकती हैं,
वो एक मजाक ही तो है जिसे प्रकृति ने आपके साथ किया है। जब आपके जीवन में समस्याएं आए तो समस्या को देखिए और उस पर हंसिए, क्योंकि वो प्रकृति द्वारा किया गया एक मजाक मात्र है। जिस दिन आप इस ब्रह्मांडीय मजाक को समझ जाएंगे, उस दिन आप भी उन 3 लाफिंग मंक्स की तरह अपने जीवन का आनंद ले सकेंगे।